विल बी नाउ स्टार्टिंग कैपिटल बजटिंग, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी। तो इससे पहले हमने किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे हमने हमारा जो फोकस था वो ये था कि व्हाट इज़ द जो आपकी पूरी आप जब आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें जो कॉस्ट आती है वो मतलब कितनी होती है, मतलब आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट जिसमें आपकी इक्विटी की फाइनेंसिंग है और डेट की फाइनेंसिंग है, वो कॉस्ट कितनी है। और फिजिबिलिटी स्टडी का असूल यही है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। तो आप उसको कंपेयर करते हैं बेनिफिट्स के साथ। तो अगर कॉस्ट जो है वो बेनिफिट से ज़्यादा होगी तो आपका आप यू विल बी सेलेक्टिंग यू विल बी रिजेक्टिंग द प्रोजेक्ट, और अगर बेनिफिट ज़्यादा होंगे कॉस्ट कम होगी तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे चलाएंगे। तो एक पार्ट जो फिजिबिलिटी का है वो कॉस्ट है, और एक दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं बेनिफिट, ठीक है ना। तो कॉस्ट का हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर, पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया था ऑलमोस्ट। और आज जो है हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे रिटर्न्स का ना, जो बेनिफिट्स जो प्रोजेक्ट्स के आते हैं कि जो कैश फ्लोज के फॉर्म में आते हैं, तो और उसके अंदर वो कॉस्ट का कंपोनेंट भी होगा। तो हम ये भी देखेंगे कि अगर वो बेनिफिट ज़्यादा है तो वो सिलेक्शन और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट्स वगैरह का। तो उसको इसको जो है एक समराइज फॉर्म में कहते हैं कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या है? बजटिंग जैसे होता है, बजटिंग मीन्स के प्लानिंग। आप जो है यू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स, और जैसे साल में आपको कुछ प्रोजेक्ट्स करने होते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उस कुछ को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को नहीं करते। तो बजटिंग जो है वो रैशनिंग से भी आया है कि क्योंकि आपके पास जो है नीड ज़्यादा होती है, आपके पास कैपिटल कम होता है, तो आप कुछ को सेलेक्ट करते हैं, कुछ को नहीं करते, तो उस प्रोसेस को भी बजटिंग कहते हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग कैपिटल बजटिंग के हाउ कंपनी सेलेक्ट एंड रिजेक्ट प्रोजेक्ट्स ना। तो एक्चुअली वी विल बी कंबाइनिंग ऑल दीज कॉम्पोनेंट जो हमने पहले पढ़े होते हैं उसमें आज हम कंबाइन कर देंगे। तो जैसे सवाल है कि शुड वी बिल्ड अ प्लांट, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग। बट कैपिटल बजटिंग क्या होती है? एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल एडिशंस टू फिक्स एसेट्स। अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसकी एनालिसिस पहले तो वो कह रहे हैं, एक चीज़ समझ लें, जो प्रोजेक्ट जो होता है वो जो है आपका बुक पे होता है, ठीक है, पेपर्स पे होता है जब तक कि वो लग ना जाए, ठीक है। तो उसकी जो पोटेंशियल एडिशंस का मतलब ये है कि अगर हम ऐड करें तो व्हाट विल बी द एनालिसिस। तो कैपिटल बजटिंग में एनालिसिस होता है किताब पे कि भाई आपका जो ये प्रोजेक्ट अगर हम लगाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा या नुकसान है। दो एक चीज़ समझ लें कि ये जो एनालिसिस होता है ये सिर्फ वैलिड होता है बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है तो फिर ये एनालिसिस बेकार होगा। तो इसको फिर कहते हैं संक कॉस्ट। अगर आपने का प्रोजेक्ट लग गया है तो फिर ये बताना गैर ज़रूरी हो जाएगा कि प्रोजेक्ट सही है या गलत है, ठीक है ना। ये सिर्फ उस पॉइंट पे फ़ायदेमंद होता है कि जब आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्लियर है। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन, अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं। तो अगर अगर प्रोजेक्ट लग चुका है तो इसका इसका एक सवाल है एनालिसिस सर। जो है, जी हाँ सर, ये जो एसेट्स रिप्लेसमेंट होती है वो किस चीज में जाएंगी? नहीं वो भी कैपेक्स में जाएगी, क्या कैपिटल बजटिंग में तो जाएगी। वो बजटिंग, जब हम बजटिंग करेंगे तो हाँ उसमें से अगर जैसे कोई नए नहीं है एसेट्स, लेकिन वो उन एसेट्स की जगह डिफर्ड मेंटेनेंस हो गई या डिफर्ड में डालने में और उनको चेंज करना है, तो वो भी उसी बजटिंग का पार्ट होंगे? नहीं, अगर अगर रिप्लेसमेंट में आप एक एसेट को रिटायर करके दूसरा एसेट ले रहे हैं तो वो बजटिंग का पार्ट होगा ना। अगर उसी एसेट को रिपेयर कर रहे हैं तो फिर वो रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो उसके लिए वो कैपिटल बजटिंग हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखी जाती है, ठीक है हाँ, ना। मतलब जैसे हमारे फिक्स एसेट्स हैं उनको रिप्लेसमेंट भी, वो भी बजटिंग में ही वो आएगी। बजटिंग होगा ना। आपको मालूम होगा कि दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं ना, एक आपका करंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल होता है। तो कैपिटल जो है हमेशा बैलेंस शीट पे क्लासिफाई होता है, तो जी ठीक बजटिंग उन एक्सपेंडिचर में की जाती है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ठीक है ना। तो है। ये जो आमतौर पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है तो वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर जाता, तो वो कैपिटल बजटिंग नहीं होगी उसके लिए, ठीक है, क्लियर है। ओके तो एनी एनी न्यू प्रोजेक्ट्स जो आप स्टार्ट करेंगे उसके लिए कैपिटल बजटिंग की ज़रूरत होती है।
एंड इट इज डन बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट. वंस यू द प्रोजेक्ट स्टार्टेड, आपने कुछ कॉस्ट इनकर कर ली, तो फिर आप बजटिंग बेकार है. अब ये कहना बेकार है कि ये प्रोजेक्ट सही था या गलत था, ठीक है. ये सवाल उसी वक्त पैदा होता है कि जब आप किसी जगह लगा रहे हो, एक चीज़ लग चुकी है तो उसका सही और गलत कहना जो है ना वो बेकार है, ठीक है ना. तो इस वजह से जो है आप ये देखें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो लग चुके होते हैं लेकिन वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये इसकी वजह से हमारे इतने बिलियन का लॉस हो गया, लेकिन वो चीज़ जो है इट इज़ इनसिग्निफिकेंट नाउ, ठीक है ना. तो कैपिटल बजटिंग हमेशा शुरू में होती है. तो फर्स्ट यू एनालाइज द पोटेंशियल एडिशन टू द फिक्स एसेट्स, और उसमें लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर डिसीजंस होते हैं, क्योंकि आपके हमेशा कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होते ही लॉन्ग टर्म है, और इसमें लार्ज एक्सपेंडिचर्स आते हैं. फर्म का फ्यूचर इस पे बेस करता है. हमने वो पिछला केस पढ़ा था कि जिसमें फर्म ने शायद चैप्टर पिछले कोर्स में था, चैप्टर 2 वाला जो था, जिसमें फर्म ने एक्सपेंडिचर किया लेकिन वो जो है उस तरह से सेल्स नहीं इंक्रीज हो सकी, इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी फर्म जो है ना टूवर्ड्स बैंकरप्सी चली गई. तो एक्सपेंडिचर बड़ा सोच समझ के करना चाहिए. टू मच और टू लेस टू इन्वेस्ट, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है. टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है. एंड देन तो बहुत सारी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट इज सिमिलर टू सिक्योरिटी एनालिसिस, का मतलब ये है कि सिक्योरिटी एनालिसिस में भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज, और इन्वेस्टमेंट में के अंदर भी जो है आपकी वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट निकाल रहे होते हैं, और वो वैल्यू जो है अगर बेंचमार्क से ज़्यादा या कम है उससे सेलेक्शन और रिजेक्शन करते हैं. तो जो हमारा जो बेसिस है ऑफ सेलेक्टिंग और रिजेक्टिंग वो वही है जो कि हमने पहले हम करते हुए आ रहे हैं. अच्छा ये देख ले प्रोजेक्ट्स जो हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव, तो क्लासिफिकेशन क्या है. तो एक प्रोजेक्ट्स तो होते हैं विच इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का मतलब वो जिसमें अभी बात की थी रिप्लेसमेंट की ना, कि आपकी एक मशीन है वो ख़राब हो गई है, उसकी जगह रिप्लेस करनी है. तो इसमें ये सबसे यानी डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्लासीफाई करें तो सबसे कम इसमें डिसीजन यानी इसमें रिस्कीनेस कम है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नया नहीं है, ऑलरेडी काम चल रहा है, आप ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, उसकी आपका उसकी ऑलमोस्ट स्टेबल सेल्स हैं, एवरीथिंग एल्स यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द मशीनरी ना, तो मेंटेनेंस के लिए. तो ये जो है इसमें बहुत कम डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोजेक्ट है. एक एक तो ये हो सकता है. दूसरा ये होता है कि रिप्लेसमेंट बिकॉज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, कि आपके पावर प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने टेक्नोलॉजी के हैं, वो कॉस्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं नए का पावर प्लांट से. दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ठीक है अगेन. लेकिन ये कि इट्स अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपकी कॉस्ट जितनी रिड्यूस होगी तो उतना ही आपका जो है विल बी फिजिबल होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है ये. अच्छा उसके बाद थोड़ा सा और मुश्किल आता है, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड और मार्केट्स, कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको जो है नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, नई मार्केट में जा रहे हैं, ये ज़रा बहुत मुश्किल डिसीजन होता है. डिमांड साइज एनालिसिस में करनी पड़ती है. फिर इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड और न्यू मार्केट्स, अगेन ये और डिफिकल्ट है. एंड देन सेफ्टी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, के अगर आपका सी एस आर को कंप्लाइंस करना है या सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स वगैरह के अंदर अगर आपको उसके लिए यू नीड दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो वो ये तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ना. तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है डिटरमिन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. पहले तो आप कॉस्ट निकालते हैं और उसके बाद उसकी कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट अगर चलेगा तो दिस इज विल बी द अपफ्रंट कॉस्ट, और इसकी फर्स्ट टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, इन 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 टाइम में जो है व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जो आपको उस प्रोजेक्ट में लाएंगे. उसके बाद देखते हैं कि रिस्कीनेस ऑफ द कैश फ्लोज के वो कितना परसेंट चांस है कि जो आपने एस्टिमेट किया है वही कैश फ्लो एक्चुअल में हो. समटाइम्स ये रिस्कीनेस ज़्यादा होती है. अच्छा ये जो रिस्कीनेस है ये कहाँ पे अफेक्ट आती है, ये आपके कैश फ्लोज के अंदर ही आती है. तो जो आप वो जो कैश फ्लोज निकाल रहे होते हैं टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 की कैश फ्लोज, तो वो एक्चुअली एस्टिमेटेड कैश फ्लोज होती हैं, या आप कहते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज. तो जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके अंदर आप प्रॉबिलिटीज डाल रहे होते हैं कि प्रॉबिलिटी ऑफ दिस एंड प्रॉबिलिटी ऑफ दैट, तो वो उससे आपकी रिस्कीनेस इनकॉर्पोरेट होती है. देन डिटर्मिनेंट्स टू डिटर्मिन द अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वंस के अगर आपने कैश फ्लो आइडेंटिफाई कर ली देन यू हैव टू आइडेंटिफाई के व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल.
वैक या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा उन कैश फ्लोज के साथ। तो जब आप उन कैश फ्लोज को वैक या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ डिस्काउंट कर देंगे तो यू विल गेट एनपीवी। एनपीवी मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये मैं हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों क्या चीज़ होती है। और अगर जो है एनपीवी जो है इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो यू एक्सेप्ट, एंड और आईआरआर इज़ ग्रेटर देन वैक। तो एनपीवी बेसिकली अमाउंट फॉर्म में होती है। एनपीवी अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि आपने जो है पैसा जो बनाया है वो उस कॉस्ट से ज़्यादा है जितनी आपने बेयर की है। तो दैट मीन्स कि एनीथिंग विच हैज़ अ पॉजिटिव एनपीवी जो है वो आपकी वैल्यू ऐड करेगा। इसी तरह से आईआरआर जो है रिटर्न है और वैक कॉस्ट है। अगर रिटर्न कॉस्ट ज़्यादा होगा तो यू विल बी एडिंग द वैल्यू। तो इसकी बेस पे यू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो ये स्टेप होता है कैपिटल बजटिंग का। हम इसी को डिस्कस करेंगे इसी की नीटी डिटीज के अंदर डिटेल्स में। तो इफ यू हैव क्वेश्चंस तो आप पूछ लें बीच में भी। तो क्लियर है? अच्छा, तो ये जो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली। दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स और एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होता है? इफ द कैश फ्लोज ऑफ वन इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है आपके पास एक ऑप्शन है रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का, एक आपके पास ऑप्शन है फैक्ट्री लगाने का। अब ना ये दो जो है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सही है ना? आपके पास 100 मिलियन डॉलर्स हैं या रुपीज़ हैं, तो आपने उसको कहा कि भाई हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम वो एक रियल स्टेट की लैंड खरीद लें या ये कि हम अपने एक प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर दें। अब अगर आप प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो उसके एक्सपेंड करने की वजह से रियल स्टेट की जो प्रोजेक्ट है वो अनफिजिबल नहीं हो जाएगा, यानी कि उसका अफेक्ट दूसरे के कैश फ्लोज में नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। लेकिन कुछ होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कैश फ्लो ऑफ वन कैन बी एडवर्सली इम्पेक्टेड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है लॉजिस्टिक्स का प्रोजेक्ट है, एक ऑप्शन ये है कि आप रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक ऑप्शन ये है कि आपने ये जो कैरियर्स जो होते हैं ट्रांसपोर्टर्स इन्होंने इनको हायर कर लिया ट्रक्स वगैरह को। तो अगर आपने ट्रक को हायर किया तो रेलवे का प्रोजेक्ट इनफिजिबल हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन नीड है वो अगर एक से पूरी हो रही है तो वो दूसरा प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं रहेगा। तो अगर आपने एक ट्रक को हायर किया है तो क्या होगा कि द कैश फ्लोज ऑफ द रेलवे जो आपको जो फायदा होगा रेलवे से वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है ना? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो डिसीजन होता है वो ये देखना पड़ता है कि जो ज़्यादा फायदेमंद है वो आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में ये देखना पड़ता है कि जो जो भी प्रोजेक्ट जो है आपकी कैपिटल बना रहा है, वैल्यू एड कर रहा है, यानी जो जिसका जो बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में पहला स्टेप तो यही होता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में कि आप जिसका बेनिफिट ज़्यादा है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसके अंदर एक स्टेप स्टेज और आ जाता है कि अगर आपका बेनिफिट ज़्यादा है तो फिर आप ये देखें किसका सबसे ज़्यादा है। तो अगर जो सबसे ज़्यादा जिसका होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? कोई सवाल? नो सर, चले ठीक है। नो सर। तो ये फ़र्क है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट का। इसी तरह कैश फ्लोज के हिसाब से भी फ़र्क होता है। नॉर्मल कैश फ्लोज होती हैं और नॉन नॉर्मल कैश फ्लोज होती हैं। नॉर्मल कैश फ्लोज क्या होती है? एक नेगेटिव होती है यानी कॉस्ट होती है शुरू में, एंड देर इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लोज दैट इज वन चेंज ऑफ साइन। दैट मीन्स क्या देखें, शुरू में तो हमेशा कि हर कैश फ्लो नेगेटिव होती है। आप शुरू में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर तो पहला तो नेगेटिव हो गया, उसके बाद टाइम 1, 2, 3, 4 में आपका रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है यानी पॉजिटिव होता है, बिजनेस आपको पैसा कमा के देता है। इसको कहते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे साइन जो है वो एक दफ़ा चेंज हुआ है, यानी माइनस शुरू में था और देन वो प्लस में हो गया, तो एक दफ़ा चेंज हो गया। तो अगर साइन एक दफ़ा चेंज हो तो इसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल शुरू के 4 साल आप इन्वेस्ट करते रहे, ठीक है? तो 4 साल माइनस हुआ, 5वें साल पॉजिटिव हो गया, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, तो यानी डेट मीन्स के 4 ऑनवर्ड्स जो है वो पॉजिटिव हो गया, वो भी नॉर्मल कहलाएगी। हालांकि वो पहले साल से ज़्यादा है क्योंकि उसमें साइन एक दफ़ा चेंज हो रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है शुरू में आप क्योंकि ग्रोथ पीरियड होता है आपका और उसके अंदर आप पैसा री इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं और जो है कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो शुरू के 4-5 साल आपकी नेट कैश फ्लोज नेगेटिव रहती है, ठीक है? और उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसा भी जो है वो नॉर्मल ही कहलाएगा बिकॉज साइन एक दफ़ा चेंज हो रहा है। तो इसकी जो बेसिकली ये है कि जस्ट वन चेंज इन साइन। नॉन नॉर्मल का मतलब ये है कि जहाँ पे साइन 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा चेंज हो रहा है, दैट मीन्स के यू स्टार्ट विद नेगेटिव देन देर इज़ अ पॉजिटिव और बीच में कहीं नेगेटिव आ गया, तो इसको हम कहते हैं नॉन नॉर्मल, ठीक है?
तो मोस्ट कॉमन जैसे नेगेटिव कैश फ्लोज बीच में कहीं आ जाए, देन द स्ट्रिंग, देन एट द क्लोज, यानी कि आपका पास जो है नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो जाए, बीच में फिर कोई नेगेटिव हो जाए फिर पॉजिटिव हो जाए, और शायद फिर एंड में क्लोज करने के लिए भी आपको जो है ना कुछ एक्स्ट्रा कैश चाहिए हो, जैसे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है या माइंस वगैरह, या माइंस आपके ख़त्म हो जाती हैं तो उसको क्लोज करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, उसको कहते हैं नॉन नॉर्मल। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? नो सर। तो हम अब करेंगे क्या कि ये हमने बता दिया कि प्रोजेक्ट्स की तरीके कौन कौन से होते हैं और कैश फ्लोज किस तरह की होती हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप ये है कि हम ये देखेंगे प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू यू के यू विल बी एवेल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट। हम बहुत बेसिक मेथड से शुरू करेंगे, हर मेथड की हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताते रहेंगे, विल बी डिस्कसिंग दीज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, और उसके बाद ये देखेंगे कि उसका अगर उस मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट मेथड में वो किस तरह सॉल्व हो रहा है, तो हम इंक्रीमेंटली ज़रा चलेंगे। तो हम बेसिक मेथड से स्टार्ट करेंगे विच इज़ पे बैक पीरियड। ठीक है, पे बैक को आप ब्रेक इवन भी कह सकते हैं। तो पे बैक क्या होता है? द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट योर मनी बैक। ठीक है, तो आपने जो है कितने अरसे में, अगर आपने 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो पहले साल 50 आए, दूसरे साल 40 आए, तीसरे 30 आए, तो ऑलमोस्ट रफली तकरीबन 2 से 2 साल प्लस में जो है यू विल बी रिकवरिंग। तो ये जो है पे बैक कहलाता है। तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लो इनफ्लोज टू इट्स कॉस्ट अंटिल कम्युलेटिव कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट टर्न्स पॉजिटिव। चल इसको देख लेते हैं। अच्छा, हम जो है दो प्रोजेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एल और एस। ठीक है, एल जो है, एल मीन्स लॉन्ग, तो जो एल की जो कैश फ्लोज हैं वो ज़्यादा बड़ी कैश फ्लोज अगले टाइम्स में आ रही हैं, और एस इज शॉर्ट, दैट मीन्स एस की जो बड़ी कैश फ्लो शुरू में आ रही हैं। तो एल जो है वो ये देख लें, एल स्टार्ट्स दोनों दोनों सेम मैग्नीट्यूड के प्रोजेक्ट्स हैं, तो दोनों का टाइम जीरो पे जो है ना -100 से स्टार्ट किया है। टाइम वन पे जो है 10 आया है, टाइम टू पे 60 है, टाइम थ्री पे 80 है, यानी कि 100 की कॉस्ट है। पहले साल 10 रुपये 10 मिलियन कह लेते हैं, तो 10 मिलियन की बेनिफिट हुआ, दूसरे साल 60 का और तीसरे साल 80 का। ठीक है, तो ये कहते हैं एल प्रोजेक्ट। इसी तरह से एस का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर शुरू में पहले साल 70, फिर 50, देन 20। ठीक है, नाउ ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, हम ये ही प्रोजेक्ट रखेंगे आगे तक, और हर प्रोजेक्ट का जो है हम डिफरेंट मेथड से जो है इसका निकालेंगे पे बैक और दूसरी चीज़ें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द उस पे बैक के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, और हम देखेंगे कि नेक्स्ट मेथड उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा है, और ये भी देखेंगे कि इसका पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इन मेथड्स का। क्लियर है? पे बैक के निकालने के लिए तरीका क्या होता है, हम ये देखना है कितने साल में वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करता है। तो बड़ा आसान है, आपने कहा 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, 100 मिलियन की, लेट सपोज फर्स्ट ईयर जो है आपने 10 मिलियन किया तो कितना बच गया, 90, दूसरे साल 60 किया तो कितना बच गया, 30। ठीक है ना, तो दैट मीन्स के 30 बच गया, तीसरे साल 80 था, तो दैट मीन्स के ये जो पैसा जो रिकवर हो रहा है वो 2 और 3 साल के बीच में हो रहा है। ठीक है ना, तो आपने तो 2 लिख दिया क्योंकि 2 साल के बाद हो रहा है। अच्छा, तो अब बचा कितना, 30, और टोटल कितना आपके पास आया, 80, तो इसको किया तो 37% बनता है, तो हमने इसके हिसाब से ऐड कर दिया, तो इट विल बी 2.375 ईयर्स। तो हमें अप्रोक्सीमेटली ये प्रोजेक्ट अगर एल हम इसको चूज़ करें, सो यू विल बी रिकवरिंग योर मनी इन 2.375 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्ट एस को देख लेते हैं। यहाँ पे यू स्टार्ट विथ 70, तो पहला पहले पहले साल ही 70 रुपये रिकवर हो गए, तो यू विल जस्ट गेट 30, दूसरे साल 50 है, सो दैट मीन्स पहले और दूसरे साल के बीच में कहीं रिकवर हो रहा है, तो यू राइट 1, दैट मीन्स पहला साल तो रिकवर हो चुका है। उसके बाद कितना परसेंट होगा प्लस कितने मंथ्स के हिसाब से होगा, तो आपने देखा कितना हमें बचा हुआ है, दैट इज 30, और कितना हमारे पास आ रहा है, तो 30/50 किया तो ये 0.6 बनेगा, तो 1.6 ईयर्स जो है वो प्रोजेक्ट एस में रिकवरी का हो रहा है। क्लियर है? समझ में आया? क्वेश्चंस, कोई सवाल? नो सर। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, आप बताया कि इसके अंदर फायदा क्या है, पे बैक का नुकसान क्या है, कोई ऐसा कुछ कोई आपको जहन में आ रहा है? आवाज ज़रा क्लियर नहीं है। हाँ, 2.375 जो 2.4 है। हाँ सर, 2.4 सर, 2.4 को 100 क्यों लिखा दो?
क्या लिखा हुआ है, 2.4, ये जो है ये वही है 2.375, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.4 इयर्स पे आपके पैसे रिकवर हो रहे हैं, यानी 100 जो है ना ये, यानी आपकी कैश फ्लो जो पे बैक हो जाएगा पूरे 100 रुपये यहाँ तक रिकवर हो जाएंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ठीक है सर। इसी तरह यहाँ पे 1.6 पे वो 100 रिकवर हो रहे हैं। जी कोई सवाल? अच्छा, जो मैं सवाल कह रहा था कि जी कोई इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, कोई बताएगा? सर जितना कम टाइम पीरियड में रिकवरी हो रही है उतना कम रिस्क ही हुआ ना, उतना ज्यादा बेनिफिशियल हुआ, चले तो इसके जितना हिसाब से ज्यादा आप प्रोजेक्ट एल को सेलेक्ट करेंगे, ये कह रहे हैं ना? प्रोजेक्ट एस को। सॉरी, हाँ सॉरी, प्रोजेक्ट एस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक जी, है, और तो सर दो दो हाँ बातें हैं इसमें। दूसरी बात ये कि थर्ड ईयर में देखें 40 का इसका आ रहा है नेट, और उसका हाँ 50 का आ रहा है, थर्ड तो थर्ड उस ईयर में हिसाब से 80 आ रहा है। एल जो है ना वो थर्ड ईयर में 80 रुपये दे रहा है, और एस जो है वो सिर्फ 20 दे रहा है। सर टाइम के हिसाब से तो एस को सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, लेकिन डाउनसाइड क्या है इसकी? सर डेफिनेटली जब टाइम कम है तो रिटर्न भी कम है। नहीं, इसकी डाउनसाइड सर ये है। हाँ बताएं। सॉरी, इनकंसिस्टेंट है सर। क्या? सर मुकद्दम बात करूं, मैं कह रहा हूँ अगर पे बैक के हिसाब से देखें तो प्रोजेक्ट एस जो है ना वो फिजिबल है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रिकवर हो रही है जल्दी, जबकि अगर प्रोजेक्ट एल की बात करें तो उसमें आपकी रिटर्न जो है ना वो आपका बहुत स्लो रेट से डिक्लाइन हो रहा है। तो फिजिबिलिटी अगर इन इन टर्म ऑफ कॉस्ट बेनिफिट देखें तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ ठीक है, अब आपने जो एक अंदाज़ा लगाया कि वैसे तो आप देखें कि पैसा तो रिकवर ज़्यादा जल्दी एस में हो रहा है, लेकिन फिजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म, इसकी वजह क्या है? आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि एल के अंदर एक रिटर्न है जो कि तीसरे साल आ रहा है, जो कि 80 80 का है, तो ये जो है क्योंकि ये पे बैक में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, तो इस वजह से पे बैक ने एस को सेलेक्ट कर लिया। तो पे बैक जो है वो एक्चुअली, बिकॉज पे बैक जो है वो उसका एनालिसिस जो है वो लिमिटेड होता है जहां तक ब्रेक इवन हो जाए, ब्रेक इवन के बाद क्या हो रहा है ये एनालिसिस में शामिल नहीं है, इस वजह से जो है पे बैक बायस्ड होगा टूवर्ड स्मॉल प्रोजेक्ट्स, यानी शॉर्ट प्रोजेक्ट जिसका कैश फ्लो जल्दी आ रहा होगा, पे बैक हमेशा उसको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि पे बैक के अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसका जो एनालिसिस है वो अगले पीरियड तक जो उसके बाद नहीं आ रहा, तो ये एक डाउनसाइड है। ठीक है, और इसके अलावा हेलो कोई डाउनसाइड है? जी सर, एक ट्रेंड इसमें नजर आ रहा है कि प्रोजेक्ट एल के अंदर 1, 2 और 3 के अंदर इंक्लाइंड हो रहा है, यानी कि रिटर्न जो है बढ़ता जा रहा है 10, 60, 80, जबकि प्रोजेक्ट एस के अंदर डिक्लाइन हो रहा है 70, 50, 20। हाँ, मतलब वो सर एल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, आप समझ लें। एस एस ने जो है वो शुरू में ही पैसा दे दिया, उसके बाद जो है वो डिक्लाइन हुआ, इस तरह से कुछ है। जी सर काइंडली सर, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है ना, जो लाइट थी और क्या कहते हैं पैकेज भी था, लेकिन जो सिग्नल नहीं आ रहे थे सर, ये तो समझ ही नहीं आ रही कुछ भी है, तो अब थोड़ा दोबारा बताएं फिर इसका। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। ठीक एक तो है एक रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी, तो वो सर, आपको जब रिकॉर्डिंग? आप सर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे आप सर, नहीं, कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, कर रहा लेकिन शो नहीं हो रही रिकॉर्डिंग यहाँ पे। हो हूँ। नहीं, रही रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, सुन ऊपर आ रहा है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है भाई, शो। अच्छा सर तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, रिकॉर्डिंग का बटन शो नहीं हो रहा होगा। ठीक अच्छा ठीक तो वो आप देख लीजिएगा, और हमने स्टार्ट ही है किया सर, है, इंशाल्लाह थोड़ा सा ठीक है सर, ठीक आप आगे जाएंगे तो वो इंशाल्लाह आप कैचअप कर लेंगे, इतना ज़्यादा हमने कुछ डिस्कस किया नहीं है। तो है सर, ठीक है, थैंक यू। ये है कि एक प्रॉब्लम तो इसके अंदर यही है कि योर एनालिसिस स्टॉप्स व्हेन यू अचीव द ब्रेक इवन, बेसिकली उसके आगे क्या हो रहा है ये हमारे एनालिसिस का पार्ट नहीं है। तो इस वजह से जो है अगर किस प्रोजेक्ट के आगे बहुत कुछ हो रहा है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू के जिसने पहले कर लिया। तो इट इज ये जो पे बैक है ये फेवर करेगा स्मॉल प्रोजेक्ट्स को, यानी प्रोजेक्ट्स जिसके कैश फ्लो जल्दी आ रही है, जैसे एस टाइप प्रोजेक्ट्स को, एल टाइप प्रोजेक्ट्स को जो है वो उसके अगेंस्ट होगा वो। सो इट्स इट हैज अ बायस, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर एक चीज जो कमी रह गई है वो ये कि ये जो कैश फ्लोज हैं ये डिस्काउंट नहीं हुई हुई, यानी कि इसमें टाइम वैल्यू का फैक्टर नहीं आया। तो आपको पता है कि टाइम वन पे अगर कैश फ्लो अगर 10 आ रही है तो उसकी असल वैल्यू 10 नहीं होगी, क्योंकि वो टाइम वन की है, तो इसमें टाइम वैल्यू का फैक्टर इंक्लूड नहीं हुआ।
तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसको जरा थोड़ा सा बेहतर बना लें, तो स्ट्रेंथ क्या है, प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट लिए। अच्छा स्ट्रेंथ क्या होती है, रिस्क एंड लिक्विडिटी। अच्छा एक चीज समझ लें कि पेबैक की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये कि जो मेरे किसी और मेथड में भी नहीं है, वो ये होती है कि ये बताता है कि वो एक तरह से एक रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आपने पेमेंट कर लिया तो आपने, यानी आप सुकून में आ जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा एक रिस्क होता है कि प्रोजेक्ट का फिजिबल है या नहीं है, तो वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर पे बैक कर लिया है प्रोजेक्ट ने तो नाउ आपके जहन में एक चीज होती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई, यानी कि आप अपने पाँव पे खड़े हो गए। ठीक है, जब भी आप ये समझें कि ना सिर्फ प्रोजेक्ट, जब आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आई डोंट नो आप लोग में कोई किसी का है बिजनेस, ये सब जॉब वाले हैं। सर बिजनेस में तो नहीं, लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें पेमेंट जरूर कन्वर्ट करते हैं। हाँ, अब आप ये देखें कि जब भी आप कोई स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़, तो वो पहले साल दूसरे साल जो है वो कभी भी जो है ना वो आपको रिटर्न नहीं देती, तो आपको अपनी जेब से पैसा डालना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे आपकी कोई प्रोजेक्ट कंपनी में लग रहा हो। तो कभी भी ऐसा नहीं होता वो फर्स्ट ईयर में पैसा दे दे, तो आप वेट कर रहे होते हैं ब्रेक इवन का। जिस वक्त आपको ब्रेक इवन हो जाता है तो यू बिकेम वेरी कंफर्टेबल कि भाई ये प्रोजेक्ट अब फिजिबल है, अभी अपने पाँव पे खड़ा हो गया, अब ये चल सकता है। तो इस ये जो ब्रेक इवन का जो आपके पास एक साइकोलॉजिकल एक ईज आती है आपके जहन में, तो ये जो है सिर्फ पे बैक पीरियड ही ला सकता है, बाकी जो एनालिसिस है उसके अंदर ये चीज़ नहीं आती। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ है और ईजी टू कैलकुलेट और अंडरस्टैंड है, बड़ा ईजी है कि भाई ये ईयर के फॉर्म में बता देता है। और इसमें अंदर जो दो वीकनेस हैं हमने डिस्कस कर ली कि इट्स इग्नोर द कैश फ्लो अकरिंग आफ्टर द पे पीरियड, और दूसरा ये कि इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो इसको फिर इनकॉर्पोरेट, एक चीज़ तो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, आप डिस्काउंटेड पे बैक लाओ, ये आप ये देख लें कि हमने अब इसमें पे बैक को मैं जो है डिस्काउंटेड पे बैक कर लिया, यानी इसका मतलब ये है कि आपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर दिया, तो जो 10 थी वो बन जाएगी 9.09 अगर टाइम जीरो पे ले जाएंगे, 60 के और 2 टाइम्स डिस्काउंट करेंगे, 10% रिपेयर डिस्काउंट किया है, तो 60 को आपने 2 टाइम डिस्काउंट किया तो ऑलमोस्ट 50 बन गया 49.59, और 80 को आपने 3 पीरियड डिस्काउंट किया तो ये बन जाता है 60.11। ठीक है, तो अगर आप ये इनके डिस्काउंट करें देन यू अगेन कैलकुलेट द पे बैक, तो अगर आपने पे बैक किया तो पहले साल अगर 9 आ रहा है तो दैट मीन्स 90.91 आपका बच गया, ये आई थिंक ये वो लॉन्ग प्रोजेक्ट है ना। दूसरे साल 60 आ रहा है तो इसका 49 आ रहा है, तो 90 में से 49 माइनस करेंगे तो ये 41.32 बच जाएगा। तीसरे साल जो है वो 60 के रिकवर हो रहा है, तो दैट मीन्स ये 49 है, तो दैट मीन्स के 2 और 3 के बीच में कहीं रिकवर हो रहा है, तो उसका जो आपने निकाला तो जो कि जितना बच गया दैट इज 41.32, और जितना आपके पास बचा है यानी कि जो जो आ रहा है थर्ड ईयर में वो आ रहा है 60.11, तो 41.32 डिवाइड बाय 60.11 ये ऑलमोस्ट बनता है लगभग 0.7, तो वो 2.7 ईयर्स में आपका प्रोजेक्ट रिकवर हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, जब आपने शुरू में निकाला था पे बैक खाली इसी कैश फ्लो का, तो ये बन रहा था 2.375। ठीक है, अब ये बन रहा है 2.7 ईयर्स, तो थोड़ा सा जो है पे बैक बढ़ गया बिकॉज आपने डिस्काउंटिंग का फैक्टर इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो नाउ आपकी एक्चुअली जो रिकवरी हो रही है वो ऑलमोस्ट लगभग 3 साल के दरमियान हो रही है। क्लियर है, कोई सवाल? सर, ये डिस्काउंट जो करते हैं ये इस वजह से करते हैं जो आने वाले दिनों में जो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं, इस वजह से? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करेंगे वो, चाहे वैक कह लें उसको। डिस्काउंट फैक्टर जो है वो हमेशा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो 100 रुपए का जो प्रोजेक्ट लगाया है, 100 मिलियन का प्रोजेक्ट लगाया है, इसको आपने लेट सपोज 60-40 का रेशो से आपने वैक निकाला होगा, कि यानी 60 मिलियन की डेट फाइनेंसिंग की होगी, 40 मिलियन की इक्विटी, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी ना, कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वेट, वो वैक निकलता है। तो लेट सपोज अगर हमने कहा वैक 10% है तो उस वैक से आप डिस्काउंट कर देंगे। सर, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि लेट्स से अगर 1 साल के बाद मुझे अगर जो 1,000 रुपये रिटर्न मिलेंगे उसकी वैल्यू 1,000 नहीं होगी, जो नौ सौ नब्बे तो ये वही फैक्टर फैक्टर ऐड किया है ना सर, डी हाँ, ये वैल्यू वही है, वही है। अब वो जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो वैक होगा, वो ठीक है। हाँ होगा। सर एक क्वेश्चन है, बताइए। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये टाइम जीरो पे कर रहे हैं या टाइम आफ्टर 3 इयर्स कर रहे हैं? नहीं, ये टाइम जीरो पे कर रहे हैं, ये जो जैसे सर ये आ तो इसमें
इसमें कैश फ्लो जो टाइम वन टाइम टू टाइम थ्री पे जो कैश फ्लो हमें मिल रहे हैं 10, 60, 80 वो कैसे कैलकुलेट हो रहे होंगे? ये एस्टिमेटेड है जब आप मैं आपको बताया ना कि ये हाँ ये जो है मैंने शुरू में बताया स्टार्ट में ना कि प्रोजेक्ट जब आपका लगता है ना तो आप फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं तो उसके अंदर आपका होता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी फिर ये कि उस प्रोजेक्ट को लगाएंगे तो आपके जो है ना कैश फ्लोज कैसे बनेंगी तो आपने जो एस्टिमेट करते हैं मॉडल जैसे फाइनेंशियल इक्विटी एनालिसिस के अंदर आपने किया था ऐसे आप प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट को लगने से आपकी सेल्स कितनी बढ़ जाएंगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी बढ़ जाएगी आपका प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा तो वो आपका फ्री कैश फ्लो आपकी वो प्रोजेक्ट लगने और ना लगने का जो फर्क होगा वो आपकी फ्री कैश फ्लो बन जाएगी। सो आपने वो कैश फ्लोज को कर दिया उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो कैश फ्लोज जो मॉडलिंग के अंदर जो है आप वो रिस्क फैक्टर भी डाल देंगे कि देखिए कितना परसेंट चांस है कि जो आपने एक्सपेक्टेड है इक्वल्स टू एक्चुअल हो जाए कि आपने वो जैसे हमने पहले किया था ना परसेंटेज में आपकी प्रोबेबिलिटीज भी डाल देंगे उसके बाद ये यू कैन गेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ टाइम वन टाइम टू टाइम थ्री एंड देन यू विल ऑल्सो हैव कि अगर आपने 100 मिलियन की फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि अगर मैं आज पैसा करूँगा मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी तो वो कॉस्ट आपको मालूम हो जाएगी उस कॉस्ट से उस कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रहे हैं तो बेसिकली वो ये काम ये हो रहा है। क्लियर है? अभी आपका प्रोजेक्ट लगा नहीं है हम इसके जो पे बैक निकला है इससे हम डिपेंड करेंगे कि हम प्रोजेक्ट लगाएं या ना लगाएं। ठीक है ना? जैसे इसका पे बैक 2.7 निकला है अगर हमारा कोई बेंच मार्क होगा कि हो सकता है हमारी कंपनी की पॉलिसी हो कि भाई पे बैक जो है वो 2.5 साल से ज्यादा के कोई पे बैक वाले एक्सेप्ट ना किया जाए तो विल नॉट बी गोइंग थ्रू दैट प्रोजेक्ट। क्लियर है? जी सर क्लियर है। सिर्फ एक चीज इसमें है कि अगर किसी ने मॉडलिंग के थ्रू कैश फ्लो ही गलत निकाले या हाँ, इतने हाँ, प्रिसाइज नहीं है तो वो तो फिर आगे भी इम्पैक्ट डालेगा सारी कैलकुलेशन। गलत हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। ये तो आपका वो है ना रिस्क यही तो है मतलब आपका जो प्रोजेक्ट जो हम कहते हैं रिस्क ले रहे हैं प्रोजेक्ट में तो वही है कि आप जो एस्टिमेट करते हैं यू मेक एन एजुकेटेड गेस कि भाई ये होना चाहिए। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था ना यू टेंड टू लिमिट योर सब्जेक्टिविटी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल तो आप अपने सब्जेक्टिविटी में जितना ऑब्जेक्टिव हो सकेंगे वो होंगे लेकिन सब्जेक्टिविटी फिर भी रहेगी और यही जो आपका रिस्क होता है। आपने प्रोजेक्ट लगाया आप यू हैव डन एवरीथिंग राइट एट योर एंड लेकिन समटाइम्स कोई ऐसे हैपन कोई ऐसे इवेंट्स हो गए जैसे कोविड आ गया आपकी सेल्स कम हो गई कुछ भी हो सकता है तो कुछ पता नहीं होता दुनिया के हालात का यही जो है आपकी सब्जेक्टिविटी होती है। क्लियर? फाइन एनफ सर थैंक यू। दूसरा मेथड क्या है तो इसमें जो डिस्काउंटेड पेबैक में जो वीकनेस थी उसमें टाइम वैल्यू का इग्नोर किया था तो वो टाइम वैल्यू ऑफ इनकॉर्पोरेट कर दी थी लेकिन दूसरी चीज जो इसमें नहीं हुई थी तो उसके लिए हम जो है ना दूसरा मेथड यूज करेंगे विच इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV। ठीक है? NPV बिल्कुल वैसी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्म होता है लेकिन नेट का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ रही है उसके अंदर से अगर आप कॉस्ट माइनस करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है बस और कोई फर्क नहीं होता। तो अगर आप उसका फॉर्मूला देखें यू हैव अ CF जीरो दैट मीन्स दिस इज द कॉस्ट और उसके अंदर जो आपने ऐड कर दिया सारे क्योंकि ये कॉस्ट माइनस के अंदर होती है तो ये माइनस यानी एक्चुअली ये माइनस हो रही है इन सब कैश फ्लोज से तो इसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है? तो लेट्स सी ये जो है प्रोजेक्ट एल की NPV आ रही है टाइम 0, 1, 2, 3 टाइम पीरियड्स हैं आपने ये देखा कि टाइम जीरो पे यू हैव अ कॉस्ट ऑफ 100 देन 10, 60 और 80। ठीक है? ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर दी थी आप यहाँ देखें यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज आ रही थी ये सॉरी इस जगह ये 9.90, 49.59 और 60.11 ये वैल्यूज जो है आपकी यहाँ पे भी आ रही हैं 9 तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू 9.90, 49.51 ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई तो आपने ये सारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इनफ्लोज आ रही हैं दिस इज द तो अगर हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी 118.79 उसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ये बनेगी 18.79 डॉलर्स ये डॉलर्स के अंदर आएगी तो इसका मतलब ये है कि NPV इसकी पॉजिटिव है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है बात? जी सवाल? अब हमने क्या किया? जी सर क्लियर है। 60 वाला जो थर्ड पार्ट टाइम 3 पे जो 60 जो इग्नोर हो रहा था वो हमने पूरा का पूरा ले लिया। अब हमारे सिलेक्शन और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी दैट मींस अगर ये 0 से ज्यादा होगी पॉजिटिव नंबर पे होगा तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? अगर 0 से कम होगी रिजेक्ट कर लेंगे।
जीरो से ज्यादा का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्यों है ये भी समझ लें, क्योंकि देखें एक पॉइंट समझ लें कि जब हमने प्रोजेक्ट लगाया तो आपने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं दिया। लेट सपोज आपको 100 मिलियन है तो 100 मिलियन जो है ना आपकी जेब से नहीं गए, आपने बोरो किया इंटरनल और एक्सटर्नल शेयर होल्डर से, ठीक है ना। तो अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट जब लगाते हैं तो उसमें दो कॉस्ट होती हैं, एक चीज ये समझ लें, एक तो प्रोजेक्ट की ऑपरेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है और एक होती है फाइनेंसिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ऑलरेडी जो है कैश फ्लोज के अंदर आपने माइनस कर ली, ठीक है। वो माइनस करने के बाद जो ये कैश फ्लोज आ रही है 10, 60 और 80, ठीक है। तो दैट मीन्स के प्रोजेक्ट की अपनी कोई कॉस्ट नहीं रही, वो ऑलरेडी कैश फ्लो में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। दूसरी जगह फाइनेंसिंग कॉस्ट की जारी बात, आपने 100 मिलियन बोरो किए थे, वो कॉस्ट कहाँ है? तो वो हमने जो है ना वैक के अंदर डाल दिए, क्योंकि हमने वैक से डिस्काउंट किया है। तो यानी कि अगर डिस्काउंट करने के बावजूद कोई चीज़ पूरी आ रही है तो दैट मीन्स कि उसका जो बेनिफिट है उसकी तमाम कॉस्ट ज़्यादा है। सो दैट मीन्स कि अगर वो प्रोजेक्ट लगेगा तो कंपनी को 19.98 डॉलर्स का या मिलियंस में कहेंगे तो 19 मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होगा। दिस इज़ द नेट बेनिफिट दैट द कंपनी विल हैव। ये फायदा जो है इसके अगेंस्ट कोई पैसा नहीं जा रहा, बेसिकली अपनी जेब से कुछ नहीं, दैट इज बेसिकली द नेट अर्निंग दैट यू विल बी गेटिंग। एक चीज और समझ लें कि जितना भी पॉजिटिव एनपीवी होगा वही आपकी कंपनी की वैल्यू ऐड करेगा। यानी कि अगर हम ये समझें कि दिस इज बेसिकली द पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स विल कैरी एज अ एसेट ऑन द बैलेंस शीट, अगर हम ग्रोथ बेस्ड अकाउंटिंग करें तो असल एसेट्स यही है, ठीक है ना। क्योंकि ये एनपीवी जो है ये प्रोजेक्ट लगने से पहले का है, ठीक है सर। ये पॉइंट सर दोबारा क्लियर कर दीजिएगा, तो अभी आप थोड़ी देर पहले वैक की बात की थी कि वैक में जैसे जाता है। हाँ मैं ये कह रहा था कि दो तरह की कॉस्ट होती है ना, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपने ऑलरेडी माइनस कर दी कैश फ्लोस के अंदर से, तो यानी दैट मींस कि आप जो बच गई वो फाइनेंसिंग कॉस्ट है। फाइनेंसिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो है इक्विटी फाइनेंसिंग की है या डेट फाइनेंसिंग की है। डेट फाइनेंसिंग की है तो आपका इंटरेस्ट होता है, इक्विटी फाइनेंसिंग की है तो आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप पे करते हैं। तो ये दोनों जो है दोनों की जो वेटेड एवरेज कॉस्ट होती है वो वैक होती है। तो अगर आपने वैक से डिस्काउंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो उसके बावजूद अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मींस के वो उसका जो बेनिफिट है वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपका आपका जो जैसे आपने पहले उसमें किया था ना कि एक चीज़ है वो 12% से कंपाउंड हो रही है और 10% से डिस्काउंट हो रही है, तो एक्चुअली बेनिफिट 2+ है ना। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आप 10% से डिस्काउंट यानी वैक से डिस्काउंट करने के बावजूद आपका बेनिफिट प्लस आ रहा है तो दैट मींस कि जो आप जिस रेट से आप कंपाउंड कर रहे हैं वो रेट उसके डिस्काउंट से ज़्यादा है। क्लियर है जी सर। तो और कोई सवाल? तो एनपीवी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये एनपीवी अगर पॉजिटिव आ जाती है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को एंड देन आप लगा लेंगे। तो जब आप लगा लेंगे तब आपके पास एसेट बैलेंस शीट में बाद में आएगा जो अकाउंटिंग एंट्री में। लेकिन अगर हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करें, मैंने शुरू में आपको शायद एक सेशन में फेयर वैल्यू पे लिया था, तो अगर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करें आपकी तो एनपीवी शुड यानी द वैल्यू ऑफ एनपीवी प्रोजेक्ट्स यानी प्रोजेक्ट्स की एनपीवी जो है वो आपकी एसेट के अंदर आनी चाहिए, ना कि करंट एसेट जो या आपके फिक्स एसेट जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द वैल्यू एडेड जिसकी वजह से आपने बिजनेस ने वैल्यू एड किया। क्लियर है, आगे चले। सर एक चीज होती है पे बैक और एक होता है आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या डिफरेंस होगा? पे बैक तो आपको बता रहा है नंबर ऑफ इयर्स कितने साल में आप अपना पे कर लेंगे ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज फॉर्म में बता रहा है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें कितना रिटर्न उस साल मिल रहा है, आप ये समझ लेना। रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैसे आरओआई कैसे निकालेंगे? एक्चुअली आरओआई कुछ नहीं होता, आरओए होता है, आरओई होता है, ठीक है ना। अगर आप आरओआई को आरओए कह रहे हैं तो रिटर्न ऑन एसेट कहलाएगा, तो इनकम अपॉन एसेट होगा, ठीक है ना। क्लियर है जी सर। ये इन्होंने बताया कैश फ्लो को कैसे फाइनेंशियल एफसी के अंदर जो फिट करते हैं, यानी आपको अगर एनपीवी निकालनी है तो वो कैसे करेंगे, या आप मैनुअल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। तो सीएफ कैश फ्लो का बटन दबाएं, उसके बाद जो कैश फ्लो डालते रहें एंटर करके, उसके बाद कंप्यूट कर लें, आई डाल दें और कंप्यूट एनपीवी करें तो यू विल गेट दिस 18.678। चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पास, ठीक है ना।
रैशनल, क्या रैशनल है इसका? तो आई थिंक कोई आवाज ऐसी आ रही है, शायद म्यूट कर लें सब लोग। ओके, सो रैशनल क्या है? अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू जो है दैट इज मोर देन द कॉस्ट, सो दैट इज द यू हैव अ नेट गेन ऑफ वेल्थ इफ द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, यू एक्सेप्ट वेयर एवर एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या करेंगे, पहले तो आप ये देखेंगे जीरो से ऊपर है, अगर जीरो से ऊपर है तो वो उसको आप सेलेक्ट करेंगे कि जिसके अंदर एनपीवी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब आप इसकी एग्जांपल देख लें, ये आपकी एल की आ रही है 18.78, एस की एनपीवी शायद अभी आगे शायद निकाली थी, तो बहरहाल एस की एनपीवी जो है ना इन दिस एग्जांपल वुड एस की शायद एनपीवी ज़्यादा आ रही है, 20 समथिंग आ रही है, वो आगे आ जाएगी। तो क्योंकि एस की एनपीवी ज़्यादा है तो हम अगर तो एल और एस इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों की पॉजिटिव आ रही है, और अगर एल और एस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो हम एस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर, एनपीवी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? एनीबॉडी? इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई डाउनसाइड है इसकी? जी कुछ सोचें, जी सर वही लग रही है अनसर्टेनिटी, अगर मतलब आपने सब कुछ अच्छा किया है लेकिन उसके जैसा कोविड की आपने एग्जांपल दी, अगर अनसर्टेनिटीज हैं तो वो हाँ मतलब वो तो मैं एक तो वो होता है ना कैश फ्लोस के अंदर अनसर्टेनिटी, वो तो अलग बात है, वो सारे सारे मेथड में होगी, मैं मेथडोलॉजी के हिसाब से कह रहा हूँ, मेथडोलॉजी के अंदर इसमें कोई डाउन साइड है? जी वेरी कर सकती है सर एक्सपेक्टेड वैल्यू से, सर वेरी कर सकती है एनपीवी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाय द टाइम डिफरेंट सिनेरियो के रीजन। हाँ वो तो उन्होंने बात कर ली ना, अनसर्टेनिटी जो बात की, अब इसको समझ लें, इसमें एक डाउनसाइड ही हो सकता है कि जब आप कंपेयर करें कि आप एनपीवी को प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना, एनपीवी जो है वो सेंसिटिव होता है, यानी कि एनपीवी क्योंकि नंबर्स के अंदर आ रहा होता है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एनपीवी हमेशा फेवर करेगा जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सिलेक्शन की थी इसकी, आगे ये देखें, ये एनपीवी प्रोफाइल्स हैं, ये एनपीवी शायद निकाला था हमने, ये फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है ना, एनपीवी हमने निकाला, प्रोजेक्ट एल का 18.79 आ रहा है, एस का आ रहा है 19.98, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताएं इसमें आपने किसको सेलेक्ट किया अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? जी एस को किया, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं कि एल जो है वो 10 times लार्जर है, फॉर एग्जाम्पल हम सब में एक जीरो ऐड कर दें, यानी इनफ्लो में भी कॉस्ट में भी एक जीरो ऐड कर लें और 1, 2, 3 सब में जीरो ऐड करते हैं, एनपीवी क्या हो जाएगी एल की? 187.9। हाँ फिर किसको सेलेक्ट करेंगे? फिर एल को करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो सही है, बात समझ में आ रही है। तो एनपीवी जो है वो सेंसिटिव होता है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले से, अगर इफ यू हैव अ बिगर इन्वेस्टमेंट तो आप तो यू कैन नॉट कंपेयर अ बिग इन्वेस्टमेंट वर्सेज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन एनपीवी, क्योंकि ये नंबर्स के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर होता है, ठीक है। अगर जिसका बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा लेकिन वो ये नहीं बता सकेगा कि वो इफिशियंट कितना है, ठीक है ना। ये एक डाउन साइड होती है एनपीवी के अंदर, क्योंकि एनपीवी नंबर्स के अंदर होता है। पॉजिटिव साइड तो मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव साइड ये है कि एनपीवी एग्जैक्ट शो करता है कि आपके प्रोजेक्ट ने कितनी वैल्यू ऐड की, ये एग्जैक्ट शो करेगा कि आपका प्रोजेक्ट ने जो है आपकी मार्केट वैल्यू से कितनी बढ़ा दी है नंबर्स अमाउंट की फॉर्म में। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आप इसको कंपैरेटिव कंपेयर करने के लिए जब जाएंगे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी, तो एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकाल सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का मतलब ये होता है कि एनपीवी जैसे आपने निकाली थी
इसी तरह आप कैश फ्लोस, पॉजिटिव कैश फ्लोस डिवाइड बाय कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आएगा, परसेंटेज फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। तो चलेंगे तो पहले तो यानी दैट मीन्स कि आपके ये जो पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं यानी कि 9 और 49 और 60, इसको ऐड कर दें टोटल और उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट से तो प्रॉफिटेबिलिटी आ जाता है, सही ना। कैश फ्लोज डिवाइड बाय कॉस्ट, तो अब इससे परसेंटेज फॉर्म में आ सकती है, कोई भी चीज़ रेशो के फॉर्म में होती है तो वो कंपेयर हो सकती है, तो इसके एक मसला तो हल हो जाएगा। क्लियर है, कोई सवाल सर? कॉस्ट वर्सेस रिटर्न को हमने रेशो बनाया ना। हाँ, वो एनपीवी में हमने क्या किया था, कॉस्ट यानी कॉस्ट माइनस की थी और रिटर्न ऐड कर दिया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिटर्न ऊपर है, न्यूमरेटर है, कॉस्ट डिनोमिनेटर है, तो वो रेशो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे आप मतलब सर जो हम बेसिकली आप कंपैरिजन का बताना चाह रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, कोई एक लार्जर स्केल का एक मीडियम स्केल का है, तो उसमें फिर जो है वो पीआई के थ्रू जो है कंपेयर करेंगे, ऐसा ही बिल्कुल ठीक है ना। आगे चलें तो नेक्स्ट इज आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR बड़ा कॉमनली यूज होता है, आप देखें लीजिंग में भी और दूसरी भी फाइनेंस काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, डिस्पाइट के NPV हमारे पास मौजूद है और NPV का एक वेरिएंट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये भी एक NPV की फॉर्म कहलाएगा और उससे भी आपको मालूम हो रहा है रिटर्न्स। तो हमें IRR की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि वाई IRR इज़ नॉर्मली यूज, नंबर वन। और नंबर टू ये कि अगर वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स टू मेजर द सेम थिंग, तो हम किसको सेलेक्ट करें और कौन सा बेहतर है, तो ये सवाल के आप जवाब देंगे। पहले तो ये समझ लें IRR होता क्या है। IRR इज अ डिस्काउंट रेट दैट फोर्सेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इक्वल्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये इसका फॉर्मूला है। आप ये समझें कि NPV उस वक्त आता है जब आपने यहाँ पे 10% रखा था, तो यहाँ पे NPV 18 आ रहा था, ठीक है ना। आप ये ये जो रेट है उसको 10% ना रखे, इसको बढ़ाते रहें, जैसे जैसे ये रेट बढ़ता रहेगा ये NPV कम होता रहेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे NPV जीरो हो जाएगा, तो वो रेट IRR कहलाएगा, ठीक है। तो IRR वो रेट है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इनफ्लोज इक्वल्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज हो जाए, सो दैट मीन्स आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाए, इसको हम कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है, कोई सवाल? इसका तरीका कैलकुलेट करने का मैनुअली नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर से होता है, तो वो FC के थ्रू आप कर सकते हैं कैलकुलेट। अगर आपने कैश फ्लोज डाल दी तो IRR का बटन दबाएंगे तो IRR आ जाएगा। IRR L का जो है वो आ रहा है 18.13 और S का जो आ रहा है वो आ रहा है 23.56, ठीक है। तो IRR के हिसाब से यू विल बी सेलेक्टिंग S। तो अभी तक जितने भी हमने सिलेक्शन रिजेक्शन क्राइटेरिया देखे हैं, तो हम SC को सेलेक्ट कर रहे हैं आपको फिलहाल, सही। कोई क्वेश्चंस, कोई सवाल, प्रॉब्लम? जी सर, ये IRR कैलकुलेट क्यों किया जाता है सर, ये बता, IRR कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ अच्छा, अभी समझेंगे IRR क्या बता क्या रहा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये कि IRR ये बता रहा है कि उस प्रोजेक्ट का अपना प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, यानी वो प्रोजेक्ट कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, यानी इसका ताल्लुक कोई कॉस्ट से नहीं है। वो ये दिखा रहा है कि अगर हम ये कौन सा रेट है जिससे, यानी कि वो ये बता रहा है कि प्रोजेक्ट का अपना रिटर्न कितना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर्म, ठीक है ना। तो यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ होता है तो वो अब कितने परसेंट रिटर्न जनरेट कर रहा है, प्योर प्रॉफिट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये और NPV में फर्क क्या है, NPV या PI जिसको हम निकाला था ना, NPV तो अमाउंट के अंदर है, PI जो है वो भी रिटर्न निकाल रहा है, इसके अंदर और IRR में क्या फर्क है? IRR और PI में फर्क यह है कि ये जो रिटर्न आ रहा है, जो PI का रिटर्न है, ये कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न है, यानी कि इसके अंदर फाइनेंसिंग कॉस्ट इंक्लूडेड हो गई। यानी कि हम ये कहते हैं कि आज हमने प्रोजेक्ट लगाया, सारी कॉस्ट है, तो उसके बाद उसका रिटर्न कितने परसेंट आ रहा है, जबकि जो NPV ये जो IRR है ये प्योर रिटर्न बता रहा है प्रोजेक्ट का। तो बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि इस प्रोजेक्ट का रिटर्न जो है वो 10% 3% आ रहा है कॉस्ट एडजस्टेड, दैट मीन्स कि हो सकता है आपका जो प्रोजेक्ट हो वो 10% रिटर्न बना रहा हो और 7% की कॉस्ट हो, तो नेट रिटर्न जस्ट 3%, ठीक है। तो ये करेक्ट तो है, लेकिन समटाइम्स यू नीड टू फाइंड आउट कि प्रोजेक्ट अपना रिटर्न कितना बना रहा है,
इस वजह से जो है ना बड़ा ये पॉपुलर हो गया है IRR, कि ये वो वाहिद है कि जो अपना प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट बता रहा है कि वो प्रोजेक्ट खुद कितना प्योर रिटर्न कितना बना रहा है आफ्टर बिफोर डिडक्टिंग कॉस्ट। आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट का तो हमें वैसे ही मालूम हो जाता है NPV से और उसका एक वेरियंट है प्रॉफिटेबिलिटी मेथड से, ये चीज बता रही है, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे इसका प्रोजेक्ट का 18 और 23 आ रहा है, आप उसको कंपेयर करेंगे WACC के साथ, WACC इज कॉस्ट। तो अगर आपका रिटर्न IRR इज मोर देन WACC देन यू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट, अगर लेस देन WACC है तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो अच्छा बोथ विल लीड टू मोर लेस सेम, कुछ एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लेकिन ये के दोनों रिटर्न की फॉर्म है। यहाँ बात समझ में आई, नहीं ये वो आप इस तरह समझें कि ये प्योर रिटर्न है और NPV जो है वो फाइनेंसिंग कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न है, यानी वो नेट रिटर्न है। आप ये कह लें ये ग्रॉस रिटर्न है, वो नेट रिटर्न है, यानी कि IRR जो है वो प्योर रिटर्न आ रहा है कि वो प्रोजेक्ट का अपना रिटर्न क्या है रिगार्डिंग कि उसकी फाइनेंसिंग कैसे हुई है। और वो जो NPV है उसके अंदर क्योंकि WACC भी इंक्लूड हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर द नेट रिटर्न क्या आ रहा है उस प्रोजेक्ट का, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। अगर दो प्रोजेक्ट है और एक का हमारा नेट रिटर्न ज्यादा है कम है तो नेट रिटर्न से कंपेयर होगा ना, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा और छोटे स्केल का प्रोजेक्ट है उसका ग्रोस रिटर्न तो ज्यादा है लेकिन नेट रिटर्न उसका कम है। उसकी रीजन ये है कि अगर हम जब बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसका वेग ज्यादा हो सकता है और अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका वेग कम हो सकता है, तो इसलिए नेट रिटर्न से ही प्रोजेक्ट कंपेयर हो सकते हैं ना, ग्रोस रिटर्न से प्रोजेक्ट कैसे कंपेयर करते हैं। अच्छा देखिए एक तो है कि आपका नेट रिटर्न से तो आपने कंपेयर कर लिया कि आपका जो है जिसका पॉजिटिव आ रहा है, अब ये जो ग्रॉस रिटर्न है इससे आप कंपेयर ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास बेंचमार्क मौजूद है WACC का, तो अगर कोई WACC से ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप कह रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का ज़्यादा WACC है तो जरिए बात उसका बेंचमार्क बढ़ जाएगा, तो उसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया ही वो होगा कि वो बेंचमार्क को क्रॉस कर रहा हो, ठीक है। तो वो वाली बात तो आपकी यहां हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर है। और दूसरी जो आप कह रहे थे कि अगर प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका तरीका क्या है, आप जो है ना इसको देखेंगे कंपेयर करेंगे WACC के साथ, ठीक है। तो अगर अगर WACC से ज्यादा है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होकर, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं आपको सेलेक्ट करना है कोई प्रोजेक्ट तो पहले तो WACC देख लेंगे, अगर WACC से ज्यादा जो भी क्लास जो भी क्वालिफाई करता है उसको फिर आप कंपेयर कर लेंगे, जिसका IRR ज्यादा है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। चले अच्छा, हाउ द प्रोजेक्ट IRR सिमिलर टू द बॉन्ड YTM, यस दे आर सेम, थिंक ऑफ अ बॉन्ड एज अ प्रोजेक्ट, YTM ऑफ द बॉन्ड विल बी IRR ऑफ द बॉन्ड, ठीक है ना। सपोज अ 10 ईयर बॉन्ड 9% एनुअल कूपन सेल्स फॉर 1134.2, तो आपने जब YTM कैलकुलेट किया तो इट विल बी 7.08। सो जो YTM होता है वो भी IRR ही होता है एक तरह से, तो इन्होंने वो एनालॉजी के साथ एक्सप्लेन किया है। कोई सवाल है तो पूछ ले वरना आगे चलते हैं, क्वेश्चंस। सो रैशनल फॉर IRR, NPV IRR विल लीड टू द सेम डिसीजन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, इफ IRR इज ग्रेटर देन WACC प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, देयर आर सम रिटर्न लेफ्ट ओवर टू द टू बूस्ट स्टॉक होल्डर्स रिटर्न, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। IRR जो है वो अगर K विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे ज़्यादा है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर कम है रिजेक्ट कर देंगे, अगर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जिसका IRR ज़्यादा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर है।
बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। अब सवाल एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो IRR और NPV डिफरेंट रिजल्ट दे रहा हो, तो अच्छा पहले तो ये कि वो डिफरेंट रिजल्ट क्यों देगा, नंबर वन। नंबर टू ये अगर दे रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये समझ लें कि अभी तक जो है प्रोजेक्ट जो है NPV और IRR जो है ना दोनों ने S को सेलेक्ट किया, लेकिन सम टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि NPV जो है वो L को सेलेक्ट करे और IRR S को सेलेक्ट करे, देन व्हाट विल यू डू। अब आप ये देखें NPV प्रोफाइल है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ NPVs हैं, डिफरेंट WACC के अंदर हमने NPV इज सेंसिटिव टू WACC। ठीक है, हमने 10% पे निकाला था तो प्रोजेक्ट L की 19 निकल रही थी और प्रोजेक्ट S की 20 निकल रही, यानी कि 18 पॉइंट समथिंग था, उसका 19 पॉइंट समथिंग था, तो इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, तो प्रोजेक्ट L की NPV 19 थी और 20 थी। लेकिन ये सेम नहीं रहेगी, अगर हम WACC चेंज कर देंगे तो आपकी NPV चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, इसके अंदर तो आपने सेलेक्ट किया था प्रोजेक्ट S को, ठीक है ना, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट S को सेलेक्ट कर लिया था। अगर हम रेट और थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्या होगा, अगर 15% WACC कर देंगे तो प्रोजेक्ट L 7 हो जाएगा, S 12 हो जाएगा, तब भी आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तब भी आपका S ही सेलेक्ट होगा। अगर तो मज़ीद बढ़ा देंगे तो प्रोजेक्ट जो है ये माइनस में चला जाएगा, तो सिर्फ एक ही बच जाएगा, तो यही सेलेक्ट होगा क्योंकि ये अभी तक पॉजिटिव है। तो यानी कि WACC जो है वो 10-15-20% WACC के अंदर जो है ना यू विल बी सेलेक्टिंग S, और IRR जो है वो किसका ज्यादा था, IRR जो है वो कहाँ था, IRR जो है ना S का ज्यादा था 23.56, तो यानी कि 10% से ऊपर जो था 10, 11, 12, 15, 20 जितने भी आप परसेंट ऊपर ले जाएंगे उस वक्त जो है ना आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बिकॉज NPV के हिसाब से भी प्रोजेक्ट S की बात हो रही है और IRR के हिसाब से भी S की बात हो रही है। अच्छा, IRR इज इंडिपेंडेंट ऑफ द WACC, WACC कुछ क्योंकि WACC उसमें इक्वेजन में आता ही नहीं है, तो IRR तो सेम रहेगा। अगर तो WACC चेंज हो जाता है, लेट सपोज WACC 5% हो जाए, देन व्हाट हैपेंस, तो किसको सेलेक्ट करेंगे फिर आप, फिर आपका NPV जो है L का ज्यादा हो जाएगा। देखें 0% पे L किसका ज्यादा है, L का ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0% 5% या कुछ परसेंटेज होगी कि जहां पे जो है ना NPV L का ज्यादा होगा। इस सेंस में अगर आप NPV को फॉलो करेंगे तो प्रोजेक्ट L सेलेक्ट हो रहा होगा, और IRR को फॉलो करेंगे तो प्रोजेक्ट S सेलेक्ट हो रहा होगा। यहां तक बात क्लियर है, कोई सवाल? जी सर। तो अब सवाल ये है कि अगर तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है NPV IRR में तो क्या करेंगे, पहले तो समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट आ क्यों रहा है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि प्रोजेक्ट L के हिसाब से NPV जो है वो ज्यादा या कम हो रही है। अब आप इसको इस ग्राफिकली इसको देख लें, ये देखें ग्राफिक, इसको थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, तो ये आप ये क्लियर है, नजर आ रहा है ग्राफ, इसमें आप ये देखें कि देयर आर टू लाइंस, एक लाइन जो है वो L की है जो कि ये लाइट ब्लू है, और एक लाइन S की है ये वाली। ठीक है, इसका स्लोप फर्क है, इसका स्लोप क्यों फर्क है, क्योंकि L जो है, अब आप ये चीज समझें कि क्योंकि L जो है, L की जो कैश फ्लोज है, ये आपको नजर आ रही है ना स्लाइड? जी सर नजर आ रही है जी सर। तो अब आप ये, हाँ ये आप ये देखेंगे जो L जो आ रहा है, तो L का स्लोप जो है वो ज्यादा है और S का स्लोप कम है, यानी L स्टीपर है और S फ्लैटर है, इसकी वजह क्या है, कोई बताएगा? नहीं, बड़ी गैस करें, यानी कि ये वो ड्राइंग है जिसके अंदर आपका डिस्काउंट रेट है, यानी WACC यहाँ पे, तो जितना WACC ज्यादा हो रहा है, यानी कि चेंज इन WACC के हिसाब से जो है NPV L की ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है एज कम्पेयर टू S, यानी कि ये मोर और लेस समझ में आ रहा है। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है इसकी वजह? जी एनीबडी,
जी कोई सर एल प्रोजेक्ट के जो रिटर्न कैश फ्लो थे वो ज्यादा थे अर्ली पीरियड में इस वजह से। एल के ज्यादा थे अरे जी सर कैश फ्लो इसका। हाँ अच्छा, इसमें आप ये समझे कि एल के जो जो कैश फ्लो के जो बड़े अमाउंट थे ना वो तीसरे साल में आ रहे थे जबकि एस के पहले साल में आ रहे थे, यही था ना। तो अगर आप डिस्काउंट रेट अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ाते रहेंगे तो एल पे जो उसका इफेक्ट होगा ज़्यादा लंबा मैग्नीट्यूड ज़्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट एस। ये बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है एल जो है वो स्टीप हो गया और एस फ्लैट हो गया। दैट मीन्स कि अगर आपका ऑलमोस्ट 70 था शायद या 80 था, जो एल पे जो है ना जो है 80 या 70 आ रहा था, तो अगर आपका एल 70 था तो अगर डिस्काउंट रेट आप 10 से 11 12 30 करेंगे तो वो जो जो न्यू डिनोमिनेटर बनेगा वो उसमें जो कंपाउंडिंग होगी वो 3 पीरियड की हो रही होगी यानी बड़ी कैश फ्लोज में, जबकि एस के अंदर जो है वही बड़ी कैश फ्लोज का जो न्यूमिरेटर होगा क्योंकि वो एस का फर्स्ट ईयर में आ रहा होगा 70 80, तो उसमें कंपाउंडिंग 1 पीरियड की हो रही होगी। सो दैट मीन्स के 1% चेंज इन वैक विल लीड टू मोर प्रोनाउंस चेंज इन एनपीवी ऑफ एल एज कम्पेयर टू एस, क्योंकि उसकी कंपाउंडिंग ज़्यादा हो रही है। इसी वजह से जो है इसका जो स्लोप है एल का वो थोड़ा सा यानी फ्लैटर है और एस का स्टीपर है। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ये बात समझ में आई? हाँ दोबारा अच्छा, देखें मैं ये कह रहा हूं कि आप जरा विजुलाइज करें पहले तो एल की कैश फ्लोज क्या है। चले मैं एल की कैश फ्लोज एल की कैश फ्लोज को ये देखें कि यहाँ पे जो है ना कैश फ्लो -100 है, फिर 10 60 और 80, तो 60 और 80 तो बड़ी जो कैश फ्लोज है ना 60 और 80, ये जो है ये आपकी कैश फ्लो टाइम 3 में और टाइम 2 में आ रही है। ठीक है ना, अब एस को देखें जरा। एस के अंदर जो कैश फ्लोज थी वो 70 और तो 70 और 50 जो बड़ी कैश फ्लोज थी टाइम 1 और 2 में आ रही है। एल में यही बड़ी कैश फ्लोज टाइम 2 और 3 में आ रही एक्सक्यूज मी। मैं आता हूँ तो ये एल की जो है आप ये विजुलाइज कर लिया आपने। अब इस पे आ जाएं जरा प्रोफाइल पे। तो अगर वैक आपका बढ़ता है तो आपका क्या होगा कि क्योंकि एल की जो कैश फ्लोज हैं वो बड़ी कैश फ्लोज जो है आखिर के पीरियड में आ रही होंगी, तो 1 यूनिट इंक्रीज इन वैक अगर इंटरेस्ट रेट आपका 10 से 11% हो जाएगा तो वो जो डिस्काउंट फैक्टर होगा ना वैक का वो कंपाउंड हो जाएगा यानी कि वो जो 80 की जो कैश फ्लोज आखिर में आ रही हैं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू 80 की कैश फ्लो अगर टाइम 1 पे आ रही होंगी। तो अगर वैक की जो परसेंटेज बढ़ जाएगी तो
उसके लिए जो लॉन्गर टर्म कैश फ्लोज होंगी उसका इफेक्ट ज्यादा एनपीवी पे पड़ेगा फॉर एवरी 1% चेंज इन वैग एज कम्पेयर टू शॉर्टर टर्म कैश फ्लोज. इसी वजह से आप ये देखेंगे एस की जो कैश फ्लोज हैं वो शुरू में ज्यादा आ रही है टाइम वन पे बड़ी कैश फ्लोज, तो इस वजह से जो वैग का जो इफेक्ट होगा यानी जब आप डिस्काउंटेड बढ़ाएंगे 1 पॉइंट बढ़ाएंगे 2 पॉइंट बढ़ाएंगे तो उसके बढ़ाने की वजह से जो इफेक्ट आएगा कैश फ्लोज पे वो कम होगा एज कम्पेयर टू वही डिस्काउंटेड बढ़ाएंगे एल के साथ, क्योंकि वो एल पे वो चीज़ कंपाउंड हो रही है अगले पीरियड की जबकि एस पे वो नहीं हो रही. तो इस वजह से जो है एस जो है वो दैट इज अ काइंड ऑफ अ फ्लैटर थे उसका स्लोप होगा और एल का जो है वो स्टीपर होगा. बात समझ में आई? जी सर बिल्कुल आ गई. आप थोड़ा सा मेरे ख्याल ब्रेक ले लें. नहीं बस चलें लेट अस टॉक लिटिल व्हाइल. आप थोड़ा ब्रेक, क्योंकि क्योंकि जो हमारा जो फॉर्मूला है जब हम डिस्काउंट करते हैं तो जितना आगे का है उतना ही वो उसका हम फैक्टर को रेज टू द पावर ज्यादा कर देते हैं ना, तो चूंकि बड़े कैश फ्लो जो हैं वो लेटर उसमें आ रहे हैं तो जाहिर है कि उसकी कंपाउंडिंग उसी तरह से ज्यादा हो गई, तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जिसमें कैश फ्लोज आपको लेटर पीरियड में रिसीव हो रहे हैं. सो आई थिंक दैट शोज स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ द लाइन. थैंक यू वेरी मच. अच्छा ना अब यही देखें कि अगर तो ये फ्लैटनेस और स्टीपनेस बराबर नहीं है तो दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर होंगी. अब ये देखें जो क्रॉस ओवर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ये ऑलमोस्ट इसका जो वैल्यू है इट्स 8.7%, ये 10 से थोड़ा सा नीचे है. क्रॉस ओवर पॉइंट के जितने भी नीचे के वैल्यूज होंगे क्योंकि ये जो आप इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है तो वो जो है आपका IRR होगा, क्योंकि IRR क्या क्या चीज़ होती है कि जहाँ पे आपका NPV जीरो हो जाए उसको IRR कहते हैं. तो NPV जीरो कहाँ पे हो रही होगी एक्स इंटरसेप्ट पे, तो IRR के हिसाब से S इज सेलेक्टेड यानी कि IRR जो है वो 23.6 आ रहा है यानी S का L का ये अमाउंट 19 समथिंग आ रहा है. ठीक है, तो इसके अलावा आप ये देखें कि जब आपका क्रॉसओवर पॉइंट 8.7 से आगे निकल जाता है तो तब भी NPV भी जो है S का ज़्यादा होगा L का कम होगा. सो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन S एंड L जब आपका जो NPV यानी इंटरेस्ट रेट होगा या वैग जो होगा वो वैग जो है वो क्रॉसओवर पॉइंट ज़्यादा होगा. प्रॉब्लम आ रहा है जब आपका वैग क्रॉसओवर पॉइंट से कम होगा यानी हो सकता है आपका 7 हो या 6 हो या 5 हो, जैसे 5 पे हमने कैलकुलेट किया था उस पॉइंट के अंदर NPV शो करेगा कि L ज़्यादा बेहतर है जबकि IRR शो करेगा S ज़्यादा बेहतर. तो ये आपको समझ में आ गया कि why this happened, क्योंकि ये NPV इज मोर सेंसिटिव towards WACC एज कम्पेयर टू IRR जिसमें WACC यूज नहीं होता. और अगर ये होता है तो फिर हम किसको सेलेक्ट करेंगे, एनी आइडिया कोई बताएगा किसको करेंगे क्या करेंगे इन दैट केस? IRR. वजह? बिकॉज IRR जैसे आपने बताया कि इट इज द प्योर रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, सो प्रॉफिटेबिलिटी इज बेटर डिटरमिन्ड बाय द IRR. फाइनेंसिंग इज अनदर डिसीजन जो इंपैक्ट कर सकता, मेरा ज़ाती ख्याल है सर. और कोई एनीबडी एल्स कोई और बताएगा? सर जो डिस्काउंटिंग के साथ जो कर रहे हैं उसमें तो यही शो हो रहा है कि हमें स्मॉल वन पे जाना चाहिए. नहीं अगर तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप ये कह रहे हैं IRR को सेलेक्ट करेंगे बिकॉज IRR तो स्मॉल को फेवर कर रहा है. नहीं NPV को करेंगे शो करेगा ना उसको हम फॉर एग्जाम्पल NPV जो है आपका 5% वो WACC आपका 5% है तो 5% पे जब NPV निकालेंगे तो वो L की ज्यादा आएगी जबकि IRR S का ज्यादा आएगा. तो इस केस के अंदर हम L को सेलेक्ट करना है चाहिए S को सेलेक्ट करना चाहिए? L को सेलेक्ट करना चाहिए. L को सही ना? वजह? इनकम ज्यादा है ना, रिटर्न ज्यादा है ना. अच्छा तो रिटर्न लेकिन IRR तो S का ज्यादा है, 23% रिटर्न बना के दे रहा है वो. तो ग्रोथ उसका ज्यादा है ना बट नेट इनकम तो अब जो फाइनल जो हम गेन करते हैं वो तो नेट इनकम होती है ना. अगर ग्रोथ इनकम ज्यादा है तो वो किस काम? चले मैं इसका सही जवाब दे दूं आपकी बात थोड़ी बहुत. यानी आप यू आर एट द पॉइंट, सही पॉइंट पर हैं. आप एक चीज समझ लें कि NPV विल बी फेवर्ड ओवर IRR नंबर वन. अगर जैसे 5% कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि
एनपीवी अज्यूम्स कि आपकी कैश फ्लो जो है वो री इन्वेस्ट हो रही हैं एट वैक, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर वैक है, जबकि आईआरआर अज्यूम्स कि आपकी कैश फ्लोज री इन्वेस्ट हो रही है एट इट्स ओन रेट विच इज इंटरनल। तो ज्यादा क्रेडिबल मेथड क्या है, मतलब ज्यादा जो फेवरेबल यानी आप समझ लें कि जो ज्यादा बेहतर आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आपकी जो री इन्वेस्टमेंट रेट होता है वो आपका फर्म का इंटरनल रेट नहीं होता, वो आपकी कॉस्ट हुई होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से बिकॉज कॉस्ट इज द बेटर रेट फॉर री इन्वेस्टमेंट, तो दैट्स वाई एनपीवी विल बी फेवर्ड, वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा एज कम्पेयर टू आईआरआर, ठीक है ना। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो आप एनपीवी को ही फेवर करेंगे, ठीक है। क्रॉस ओवर पॉइंट जैसे इन्होंने बताया, जैसे 8.7 है, ये कैसे निकलेगा? इसका एक तो तरीका ये है क्रॉस ओवर पॉइंट का कि दोनों का कैश फ्लोस का डिफरेंस ले लें। एक तरीका तो ये कि आप उसको रिग्रेशन ग्राफिकली कर लें, ग्राफ में आप एस को प्लॉट करें, एल को प्लॉट करें, उसको क्रॉस ओवर देख लें और कहाँ किस रेट पे हो रहा है। और एक मैथमेटिकल तरीका भी है, वो मैथमेटिकल तरीका ये है कि आप एक सीरीज बनाएं, जैसे एक सीरीज आपकी एल की है, एक एस की है, एक आप एल माइनस एस की सीरीज बना लें, ठीक है। और एल माइनस एस की जो सीरीज जो बनेगी उसका आप वो निकाल लें, आई आर आर निकाल लें, ठीक है ना। तो वो जो आई आर आर जो होगा वो आपका क्रॉस ओवर पॉइंट होगा, क्लियर है, समझ में आई बात? आई समझ में? नहीं आई? जी ये दोबारा समझाऊं? जी एक दफा रिपीट कर ही दें सर, लगता है कॉल मिस हो गया। अच्छा चले, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। इसका तरीका ये देखें, क्रॉस ओवर पॉइंट कहाँ होगा कि जहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे एनपीवी दोनों के बराबर है, यही है ना। मेरे साथ आप रिपीट करते रहे ताकि मुझे क्लियर हो कि यहाँ तक आपको चीज समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो क्रॉस ओवर पॉइंट, ठीक है ना, तो क्रॉस ओवर पॉइंट वो होगा कि जहाँ पे दोनों की एनपीवी बराबर होगी। अच्छा, दोनों की एनपीवी बराबर होने का मतलब ये होगा कि दोनों एनपीवी का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यही है जी सर। तो अगर हम एक ऐसी सीरीज बनाएं कि जिसमें एल माइनस एस कर लें या एस माइनस एल कर दें, तो जहां पे वो उस रेट पे जहां पे उसका जो डिफरेंस जीरो हो जाए, दैट मींस के उसकी पॉजिटिव यानी इनफ्लोज इक्वल्स टू आउटफ्लो बन जाए, वो आईआरआर का पॉइंट होगा, क्योंकि आईआरआर के अंदर एनपीवी जीरो होती है। तो अगर एल माइनस एस की सीरीज बनाएंगे तो जहां उसका डिफरेंस जीरो हो रहा होगा वो एक्चुअली वहां दोनों की एनपीवी बराबर हो रही होगी। तो और क्रॉस ओवर पॉइंट का जो जो है इंडिकेशन वो यही है कि वो ये वो वाला पॉइंट है जहां पे दोनों की एनपीवी बराबर है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट द क्रॉस ओवर पॉइंट, यानी कि सर एनपीवी जीरो नहीं होगी लेकिन उनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप? डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यस, ठीक है ना। एनपीवी जीरो तो आईआरआर पे हो रही है ना, यानी इंटरसेप्ट पे। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों की एनपीवी बराबर हो जाएगी, ऑलमोस्ट ये 20 के करीब होगी। चलें आगे चलें। जी सर, ये वही बताया फाइंडिंग द क्रॉसओवर पॉइंट्स, ये वो बताया जो मैंने अभी आपको रीजंस व्हाई एनपीवी प्रोफाइल क्रॉस, स्केल डिफरेंस हो जाता है स्मॉलर प्रोजेक्ट, एक तो टाइमिंग डिफरेंस ये हमने डिस्कस किया कि भाई बड़ा प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा स्टीपर बन जाता है। एक दूसरा डिफरेंस स्केल डिफरेंस भी हो सकता है स्मॉलर प्रोजेक्ट, अगर स्मॉल हो, क्योंकि इसमें स्केल दोनों के बराबर थे, यानी कि ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं दोनों $100 से शुरू हुए थे, तो इस वजह से स्केल बराबर थे, सिर्फ टाइमिंग का फर्क था। लेकिन समटाइम्स अगर स्केल का ही फर्क होगा तो स्मॉलर प्रोजेक्ट जो है वो टाइम जीरो पे फ्री ज़्यादा करेगा, तो हायर द हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द मोर वैल्यूएबल दीज फंड्स, सो के फेवर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो क्योंकि स्मॉलर प्रोजेक्ट्स नॉर्मली जल्दी जो है फंड रिकवर कर लेते हैं, तो इस वजह से स्मॉलर प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होंगे एन पी वी के हिसाब से, वो फ्लैटर होगा। ये बात हुई है, आगे चलते हैं। ये हमने वो बताया था कि इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट तो देर इज अ री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशंस, अज्यूमिंग NPV के अंदर कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज यानी कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है,
जो आपकी वैक है, जबकि आईआरआर के अंदर जो है अजम्पशन ये है कि दे आर री इन्वेस्टेड एट आईआरआर इटसेल्फ। तो आईआरआर की अजम्पशन ये है कि आईआरआर अपने कैश फ्लो को आईआरआर पर ही री इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि एनपीवी अपनी कैश फ्लो को वैक पे री इन्वेस्ट कर रहा है। तो वैक की अजम्पशन ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, इट्स मोर रियलिस्टिक, तो एनपीवी इज फॉलोड। और यहाँ पे उन्होंने बात भी कर दी, परहैप्स हाइब्रिड आईआरआर दैट्स अज्यूम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल री इन्वेस्टेड इज नीडेड। हो सकता है हमारी नीड हो कि एक ऐसी आईआरआर का मेथड हो जहाँ पे ये जो री इन्वेस्टमेंट रेट की अजम्पशन है वो आपकी हो जाएगी जो एनपीवी का बैक। ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है, उसका आंसर एमआईआरआर है। MIRR का मतलब क्या है, मॉडिफाइड IRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है, ये वो जो प्रॉब्लम आ रही है IRR की जिसके अंदर NPV IRR कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए MIRR इज अ मिडिल वे। MIRR में क्या होता है, MIRR में आप पोल्स बना लेते हैं। मैं इसको जरा ये देख लें, ग्राफिकली देख लें। अब यहाँ देखें, आप जो MIRR के अंदर पोल्स बना लें, एक आपका ये जीरो का पोल है, टर्मिनल वाला पोल है, ये नॉर्थ और साउथ आप कर लें। अच्छा, कैश फ्लोस को जो है वो पोल्स पर ले जाएं। एक तरीका तो ये रहता है, जितनी भी नेगेटिव कैश फ्लोज है उसको टाइम जीरो पे ले जाएं, और जितनी भी पॉजिटिव कैश फ्लोज है उसको टाइम थ्री पे ले जाएं, या जो भी आपका एंड का टाइम है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि जितनी भी कैश फ्लोज हैं अपार्ट फ्रॉम टाइम जीरो उसको टाइम थ्री पे ले जाएं। अब ये दो अलग अलग मेथड्स हैं, इसके अंदर जो है एमआईआरआर भी थोड़ा सा डिफरेंट निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो एक्सेल के अंदर क्या करता है, वो सारी कैश फ्लोज को टाइम थ्री पे ले जाता है, रिगार्डलेस के वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो टाइम जीरो को छोड़ के टाइम वन टू ऑनवर्ड जितनी भी कैश फ्लोज है उनको टाइम थ्री पे ले जाता है। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं कि वो कहते हैं जितनी भी कॉस्ट है वो टाइम जीरो पे ले जाए, और जितना भी प्रॉफिट है बेनिफिट है वो टाइम आगे ले जाए। तो इट डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा मेथड यूज करें। तो जैसे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टाइम जीरो पे 100 ले गए, बाकी ये सारी जो कैश फ्लोज हैं 1, 2 और 3 यानी कि 10, 60 और 18 सबको टाइम 3 पे ले गए। तो ये 80 वैसी टाइम 3 पे, तो इसकी वैल्यू 80 होगी। 60 को जो है एक पीरियड कंपाउंड कर लिया, इसकी वैल्यू 66 हो गई। 10 को टू पीरियड कंपाउंड किया, इसकी वैल्यू 12.1 हो गई। तो टोटल जो कैश फ्लोज आ गई वो 158 आ गई। सो यू हैव अ टर्मिनल वैल्यू ऑफ 158, यू हैव इनिशियल वैल्यू ऑफ 100। इन दोनों का IRR निकाल लें, ठीक है ना? यानी इसको IRR से निकालेंगे, टाइम जीरो पे 100 होगा माइनस 100 होगा, टाइम वन पे जीरो होगा, टाइम टू पे जीरो होगा, टाइम थ्री पे 158 होगा। तो इसका जो IRR निकलेगा वो आएगा 16.5। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड MIRR। ठीक है, क्लियर है जी? क्विक सवाल जी, समझ में आ रही है? तो बस बेसिकली ये रिवर्स वर्किंग है, पहले हम जीरो पे कर रहे थे, अब टाइम थ्री पे कर रहे हैं कैलकुलेशन। हाँ, ये कह लें, एक को छोड़ के यानी कि टाइम जीरो वाली को छोड़ के सारे को हम जाने टाइम एंड में ले गए, और फिर इन दोनों का IRR निकाल लिया, यानी वो डिस्काउंट फैक्टर जो जिसमें ये दोनों बराबर हो जाएं। क्लियर? अब ये आप बगैर उसके भी कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यही वैल्यू है, तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल जो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है, यानी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू FV डिवाइड बाई 1+i, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है आप रखें 100, फ्यूचर वैल्यू रख लें 158.1 डिवाइड बाई 1+i, तो i आप फाइंड आउट कर लें रेज टू पावर 3। ठीक है, तो जब i जो फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल एक्चुअली बी MIRR। ठीक है, क्लियर? तो सर MIRR जो आ रहा है आपको 16% आ रहा है, जबकि IRR जो आ रहा था वो आपको 18.2 समथिंग आ रहा था। हां, अलग अलग वैल्यूज बस आ रही है कि इसमें जीरो वैल्यू तो हमने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी उसको एक्सक्लूड कर दिया MIRR। हाँ, अलग अलग वैल्यू इसलिए आ रही है कि IRR के अंदर जो आप डिस्काउंट फैक्टर यूज कर रहे थे वो IRR itself था, और MIRR के अंदर अब जो आपने डिस्काउंट फैक्टर यूज किया वो मल्टीपल डिस्काउंट फैक्टर है। एक तो आपने जो कैश फ्लोस को जो डिस्काउंट किया वो तो आपने वैक से किया, लेकिन जब इन कैश फ्लोस का IRR निकाला तो वो आपने IRR के डिस्काउंट फैक्टर से निकाला। तो इसके अंदर वो इनहेरेंट अजम्पशन है कि कैश फ्लोस आर नाउ डिस्काउंटेड एट वैक, तो इसलिए डिस्काउंट फैक्टर की वजह से ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ठीक है, तो वो अच्छा। दूसरा ये कि MIRR और NPV कभी भी क्रॉसओवर नहीं करेगा, यानी उसमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्रॉसओवर तो कर सकता है लेकिन उसमें कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि MIRR भी जो है सेंसिटिव है डिस्काउंट रेट के साथ, यानी वैक के साथ, और NPV भी होगा।
तो अगर कभी वैक बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा तो एनपीवी भी चेंज हो रहा होगा और एमआईआरआर भी चेंज हो रहा होगा, इसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता। जैसे आईआरआर के अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट था ना, क्योंकि आईआरआर कॉन्स्टेंट था, वैक चेंज होते हैं लेकिन आईआरआर चेंज नहीं होता, तो इस वजह से जो है कुछ जगहों पर आपका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। लेकिन अगर वैक चेंज होने के साथ साथ दोनों चीज़ें चेंज हो रही होंगी तो देर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट, इस वजह से एमआईआरआर और एनपीवी में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा भी नहीं। इस वजह से एमआईआरआर इज मोर क्रेडिबल, क्योंकि इसके अंदर एक तो एक मोर रोबस्ट है क्योंकि इसके अंदर वही अजम्पशन है जो एनपीवी की अजम्पशन है, और दूसरा ये कि देर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, क्लियर है, कोई सवाल? ओके गुड, तो चलें लेट्स आगे आगे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर दिया व्हाई वी यूज एमआईआरआर। अब मैं थोड़ा सा कुछ अनइवन कैश फ्लोज के बारे में बात करते हैं, मल्टीपल आईआरआर, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। अब आप ये कैश फ्लो देखें जरा, किसी के पास एफसी मौजूद है या एक्सेल पर है एफसी? जी, आपने कैलकुलेटर्स पे एफसी है आपके पास? नो सर, मेरे पास तो नहीं। अच्छा, ये आपको समझ में आएगा कि जब आप आपके पास अगर एफसी हो, एफसी अगर किसी के पास है तो वो देखें, एक तो ये कि आपके पास मोबाइल पे हो सकता है, मोबाइल पे एफसी की अगर ऐप वगैरह है तो वो आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, तो किसी के पास है तो बताएं, हम आगे चले या चलें ऐसे ही चलते हैं, अगर कोई हो तो बता दीजिएगा। नाउ यू हैव अ काइंड ऑफ अ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ अ कैश फ्लोज, यू हैव अ टाइम जीरो पे आपके पास -800 आ रहा है, टाइम वन पे 5000 आ रहा है और टाइम टू पे -5000 आ रहा है, तो ये नॉन नॉर्मल है, साइन एक से ज्यादा दफा चेंज हो रहा है। इसका जो है आईआरआर निकालें, जिसका जब आईआरआर निकालेंगे तो कैलकुलेटर एरर देगा। अगर कोई किसी के पास है तो वो एप्लीकेशन इसको करके देख सकता है कि ये क्या एरर दे रहा है या नहीं दे रहा है। किसी के पास जी? किसी ने कोशिश कर रहे हैं कोई? चलें, या तो नहीं है आपके पास है ना, तो ये एरर देगा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसके अंदर मल्टीपल आईआरआर है, यानी मल्टीपल आईआरआर का मतलब ये होता है कि दे आर टू पॉइंट्स जहां पे एनपीवी जो है वो जीरो हो रहा है, तो कैलकुलेटर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई आईआरआर कौन सा होगा। आईआरआर तो वो पॉइंट है जहां पे एनपीवी जीरो हो रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे दो दफा एनपीवी जीरो हो रहा है तो वहां पे दो आईआरआर जा सकते हैं। सवाल ये है कि दो दफा जीरो कैसे हो रहा है, इसको ग्राफिकली समझ लें। ये देखें जरा, ये ग्राफ जरा समझें। आपका प्रोजेक्ट में जो है, प्रोजेक्ट जहन में रखें, प्रोजेक्ट में क्या था? टाइम जीरो पे -800 था, टाइम वन पे 5000 था और टाइम टू पे -5000 था, ठीक है। जब आपने जो है टाइम जीरो पे रखा तो -800, 5000 और -5000, तो पहला 5000 और -5000 ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। -800 आपका नेगेटिव था तो यू स्टार्ट विद -800, क्लियर है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल बताते रहे ताकि आगे चलते रहे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी प्लीज, क्लियर है। नाउ व्हाट हैपेंस, आप डिस्काउंटेड बढ़ाते रहे, नाउ डिस्काउंटेड जब आप बढ़ाते रहेंगे सो व्हाट विल हैपन, 5000 और -5000 ये दो बहुत बड़े बड़े अमाउंट है, तो एक जो टाइम वन पे 5000 है वो भी डिस्काउंट होगा और टाइम टू पे जो 5000 है वो भी डिस्काउंट होगा -5000। लेकिन जो टाइम वन का जो 5000 है वो एक पीरियड डिस्काउंट हो रहा है और टाइम टू का जो -5000 है वो टू पीरियड डिस्काउंट हो रहा है, तो किसकी वैल्यू बढ़ रही होगी कंपैरेटिवली एज यू इंक्रीज द डिस्काउंट रेट? जी सर, सेकंड वाले की, सेकंड वाले की वैल्यू ज्यादा हो रही होगी, ज्यादा डिस्काउंट हो रही होगी सर, ज्यादा डिस्काउंट हो रही है तो कम हो रही होगी, राइट?
यानी कि आप कह रहे हैं कि जो टाइम टू पे जो वैल्यू है जो प्लस 5000 है वो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी प्रेजेंट वैल्यू एज कम्पेयर टू जो टाइम थ्री की वैल्यू है माइनस 5000 उससे, ये कह रहे हैं? अच्छा यूं नहीं, मैं उल्टा कह रहा था माइनस 5000 जो ज्यादा डिस्काउंट हो गया कम प्रेजेंट वैल्यू पे आएगा, वही की बात है वो, आपने बात सही है। तो जब वो ज्यादा डिस्काउंट हो रहा होगा तो क्या होगा कि प्लस 5000 की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो हावी हो रही होगी, तो वो जब हावी हो रही होगी तो वो नेगेटिवली नेगेटिविटी उसकी कम हो रही होगी, यानी कि यू स्टार्ट विद बोथ इक्वल माइनस 5 एंड प्लस 5000 दोनों बराबर थे तो यू स्टार्ट विद माइनस 800, जैसे जैसे वो जो बीच वाला 5000 का जो जो वैल्यू है वो बढ़ती रही एज कम्पेयर टू माइनस 5000 तो वो माइनस 800 की नेगेटिविटी को कम करता गया तो एक ऐसा पॉइंट आया कि जब आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आया आई थिंक 25% है IRR, तो वहां पे आपकी वैल्यू जीरो हो गई। इस वैल्यू पे क्या हुआ कि 25% पर अगर आप लगाएंगे तो माइनस जो पहला जो 5000 होगा वो इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी जो माइनस 800 को ओवरकम कर देगा एस कम्पेयर टू जो 5000 टाइम थ्री पे होगा। अच्छा आप मजीद डिस्काउंटेड बढ़ाते रहे तो व्हाट विल हैपन, वही 5000 की वैल्यू बढ़ती रहेगी बिकॉज जो थर्ड वाला है वो ज्यादा कंपाउंड हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है लेकिन वो 5000 की बढ़ा रहा है फिर आप मजीद उसको बढ़ाते रहे तो ऑलमोस्ट 100% के करीब जब आप जाएंगे ना उसके बाद वैल्यू दोनों की कम होने लगेगी। उसकी वैल्यू कम क्यों होने लगेगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिस्काउंटेड हो जाएगा कि वो माइनस 800 फिर हावी होने लगेगा बिकॉज उन दोनों की कंबाइन जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो इतनी कम हो जाएगी क्योंकि डिस्काउंटेड बढ़ जाएगा कि जो 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 टाइम जीरो पे जो वैल्यू थी माइनस 800 की वो हावी होने लगी, जिसकी वजह क्या होता है क्योंकि नेगेटिव है देन योर NPV अगेन डिप्स और ये कम होती होती है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो 400% जब होगा तो उस वक्त भी NPV जीरो हो जाएगी, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव वन IRR एट 25% एंड देन यू हैव अनदर IRR एट 400%। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, अगर आप इसको FC के अंदर सॉल्व करें तो दो तरह के आंसर मिलते हैं, एक तो एरर आएगी और एक में 25 आएगा। तो जिन कैलकुलेटर्स के एल्गोरिदम ये होता है कि आपकी फर्स्ट IRR पे स्टॉप कर दे तब तो वो 25 दे देंगे, लेकिन जिनका एल्गोरिदम होता है कि खास वैल्यू तक चलते रहें तो वो जो है 400 तक जाएंगे तो उनको एक और IRR नजर आएगी जिसकी वजह से वो एरर दे देंगे। ठीक है, तो इसका तरीका यही है कि अगर आप आई को 25 करके PV निकालेंगे तब भी जीरो निकलेगी और आई को 400 करके PV निकालेंगे तब भी जीरो निकलेगी। बात समझ में आई, कोई सवाल? सर निकाल के देखेंगे फिर पूछेंगे वो सवाल, अभी तो एक्सीन नहीं है। हाँ चले, तो कॉन्सेप्चुअली तो आपको समझ में आ गई मेरे पास, ठीक है? जी जी टेक्निकली क्लियर है। तो इसको कहते हैं मल्टीपल IRR, सो यू कैन हैव अ मल्टीपल IRR, ये वजह भी हो सकती है, ऑल्दो इट बहुत रेयर है, ये केस नॉन नॉर्मल में हो सकता है, नॉर्मल में नहीं हो सकता, लेकिन एक वजह ये भी होती है हम IRR यूज करने की कि IRR के अंदर एक मल्टीपल IRR की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इस सेंस में हम ये पूछ रहे हैं कि भाई इसका जो प्रॉफिट रेट जो है वो 25% है या 400% है, यानी कि ये प्रोजेक्ट 400% प्रॉफिट बना रहा है या 25% प्रॉफिट बना रहा है, अब आप समझ में नहीं आएगा आपको, देन यू हैव टू रिलाई ऑन NPV, फिर आप NPV देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि उसका असल NPV क्या है, जो भी NPV निकलेगा दैट विल बी द करेक्ट, क्योंकि IRR पर अनरिलायबल हो गया ना, और वेरिएशन आप देखेंगे 25 और 400 में तो इस वजह से जो है इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर भी, अच्छा MIRR में ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि MIRR में अगेन एक वजह ये भी MIRR की कि उसके अंदर वैक है, तो वैक के हिसाब से जो है आपका चेंज हो रहा होगा, तो देन ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? सो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, MIRR जो है वो इसका MIRR आ रहा है 5.6%, ठीक है, NPV जो है वो आ रहा है -387 विच इज लेस देन जीरो एंड 5.6 इज लेस देन 10, तो इट विल बी रिजेक्टेड, जबकि आप ये देखें ना दोनों MIRR और NPV के हिसाब से दोनों हिसाब से प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है, जबकि IRR जो है इसका 25% भी आ रहा है और 400% आ रहा है, तो IRR बिकेम अनरिलायबल। क्लियर है? तो कोई सवाल? ये आप करिएगा अपना जब फारिग हो जाए आराम से FC के थ्रू ये प्रैक्टिस करें, उसको देखें कि ये वाकई में हो रहा है, इससे आपका अंदाजा होगा कि MIRR की वजह क्या, तो वन ऑफ द रीजन ऑफ यूजिंग MIRR वो ये भी है। तो ये हमारा चैप्टर था, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस।
सर एक-एक लेक्चर में एक-एक चैप्टर निपटा देंगे सर, कैसे चलेगा? अभी तो बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं, चलाते रहेंगे। फाइनेंस तो भरी पड़ी है, कहते हैं ना वो दश्त की सयाही में भी में सरप्राइजेस। हम तो